आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जनरेटिव प्लांट ऑफ एक्शन, तो इसके लिए आपने देखा इंस्ट्रक्शन ऑफ x square upon a square plus y square upon b square minus z square upon c square plus 1. इसको क्या लिख सकते हो आप? ये जो इक्वेशन है इसको लिख सकते हो आप x square upon a square minus z square upon c square plus minus y square upon b square. इसको देखिए आप वीक लगा है ये प्लस बी माइनस भी लगा सकते हैं ना एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी एक्स अपॉन बी माइनस जेड अपॉन सी वाई अपॉन बी वन माइनस वाई अपॉन बी ठीक है इसके तरह लिख सकते हो ना अब देखिए इसमें इसको भी क्या लिख सकते हो इसको भी तो उस फॉर्म में लिख सकते हो आप इनको किस फॉर्म में लिख सकते हो तो उस फॉर्म एक को लिख सकते हो क्या प्लस के फॉर्म एम प्लस एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी और अपॉन में क्या वन प्लस पाई अपॉन बी इक्वल टू वन माइनस का पाई अपॉन बी अपॉन में कितना एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इस पर लैम्बडा सपोज किया इसको एंड अब इसका माइनस देखना एक्स माइनस एक्स अपॉन ए माइनस का जेड अपॉन सी एक्स माइनस सी अपॉन में एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी और अब और क्या है इसके अपॉन में प्लस मार वन प्लस फाइव अपॉन बी और उधर क्या बन रहा है इसका फाइव अपॉन बी अपॉन में एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू बी इक्वल प्रोपोर्शनल है ना तो इसको क्या लिख दिया लैम्डा को की फॉर्म लिख दिया ठीक है इनसे क्या लिख रहा है और इसको क्या लिख फर्स्ट और लास्ट से क्या लिखो x upon a plus z upon c equal to left of first and last step 1 plus pi upon b इससे क्या लिखोगे इससे लिखोगे 1 minus का pi upon b या ऐसे लिखो लैम्डा को बदले आओ एक ही बात है देखो x upon a minus z upon c equal to 1 upon लैम्डा 1 minus का pi upon b देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो लैम्डा को मल्टीप्लाई इससे होगा और ये क्रॉस के बाद आएगा इसका इधर होगा ना देख सकते हो इसके तरह इसको लिखोगे तो क्या आएगा x अपॉन a माइनस z अपॉन c इक्वल टू कितना भी 1 प्लस y अपॉन b और क्या आएगा x अपॉन a प्लस z अपॉन c इनसे क्या बनेगा 1 अपॉन b और क्या 1 माइनस y अपॉन b ये दोनों तो लेफ्ट और अपने बाद भी जो इक्वेशन है ना यही जनरेटिव लाइंस को डिनोट करते हैं देखो इसको तो एवरी ऑफ लाइंस इनको डिनोट करेंगे ये तो इसको तो
देखिए इसमें आगे वगैरह कंप्लीट, इसमें लिखिए डी इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स, डी इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स, डी इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस, लाइन फैमिली ऑफ लाइंस करेस्पॉन्डिंग टू each values of lambda at mean, each value of lambda at mean. Question देखिए इसमें ये गाइस में फाइंड द इक्वेशन ऑफ जेनेट लाइंस ऑफ द हाइपरबोलॉइड इज विद पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 2. आप क्या करो इसमें द इक्वेशन ऑफ द जेनेट लाइन, इक्वेशन ऑफ जेनेट लाइन इसमें गाइस फ्रेंड्स से पास होने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन का उत्तर आप x का स्क्वायर होने 2 k + 3 ये वैल्यू थी x y z की. अब आप करोगे क्या इसमें इन वैल्यूज को आप इक्वेशन बन दो और इंप्लाइज क्या है देखो यहां ये प्रश्न कांग्रेस का है तो यहां पे कांग्रेस ने इस बार कांग्रेस को क्या बना n स्क्वायर बाय 2 और यहां पे है n स्क्वायर बाय 9 माइनस n स्क्वायर बाय 16 प्लस ये भी आएगा ये पूरे भी आएगा अगर तुम कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 ये भी करोगे तो यहां बनेगा 2 ये करने पे 4 और 5 4 आएगा तो 2 तो कॉमन ले जाएगा 2 आएगा 2 by 4 तो यानी क्या है 2 यहां पे आएगा 3 बनेगा 3 को 9 तो 3 से डिवाइड करते हैं प्लस का n / 3 यहां पे आएगा 2 के कॉमन है तो माइनस का 4 है माइनस माइनस प्लस प्लस का कितना आएगा 1 / n / 4 4 से जाते हैं 4 का और क्या है इक्वल टू 0 0 क्यों आया पता है देखो 4 स्क्वायर क्या होगा 16 16 अपॉन 16 क्या बराबर तो माइनस का आएगा और इधर क्या आएगा माइनस का आएगा इधर क्या आएगा 4 अपॉन 2 का 1 1 2 माइनस 1 2 तो 1 1 से वो उधर वाला का कैंसिल एक ही वैल्यू क्या है एक वैल्यू के जनरेटेड लाइन का क्या बराबर जनरेटेड लाइन का प्लस तो वैल्यू ऑफ एक इन दोनों का अपना तो जो इन दोनों को रखना जीरो रखना n स्क्वायर बाय 4 n स्क्वायर बाय 9 n स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 0 एंड और क्या बनेगा यहां पे अलग अलग जीरो रखो दोनों पे n बाय 2 प्लस n बाय 3 प्लस n बाय 4 इक्वल टू 0
प्लस आई का माइनस आई का क्या अच्छा ये वाला ये सब माइनस का प्लस का है प्लस का है ठीक है ठीक है हां अब देखिए आपको क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से एलिमेंट निकाल ले बस एलिमेंट निकाल के यहां रख दीजिए बस हो जाएगा सब कुछ करोगे क्या इस तरीके को अगर आप यहां से किसी की वैल्यू निकाल दो x y equal to क्या m by 3 plus n by 4 इसका इक्वेशन नंबर 2 इसको इक्वेशन 1 2 3 4 3 and 4 implies क्या है l by 2 by l by 2 है ना अरे l by 2 करके इसका होल स्क्वायर मान लो इसको क्या माने भाई m by 3 plus n by 4 का स्क्वायर क्या कॉमन है तुम चाहिए 6 टाइम इसको एलसीएम लेकर के कितना आएगा 18 18 करोगे तो क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस और यहां क्या बनेगा 3m इक्वल टू 0 यहां से हम कॉमन ले लीजिए 4m प्लस का 3n इक्वल टू 0 इसका मतलब है m इक्वल टू 0 और 4m प्लस 3n इक्वल टू 0 देखिए आप जब m इक्वल टू 0 लेके चलोगे ना m 0 लेके चलोगे तो फर्स्ट फोर्थ से लेना एक m इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 4 इंप्लाई m 0 रखोगे तो यहां मिलता है 4 इंप्लाई क्या माने पास m 0 रखोगे तो l by 2 और इक्वल टू n by 4 इसका मीनिंग हुआ करना बनते क्या ले सकते हो m को x को 0 ले सकते हो क्या ऐसे ले सकते हो क्या l by 2 equal to n by 0 equal to l by 2 देख तो ये बन जाएगा इसका क्या है 4n plus 3n देख 4n plus 3n equal to 0 तो क्या बनेगा 4n plus 3n equal to 0 करोगे ना तो यहां से क्या आएगा 4n इक्वल टू माइनस 3n क्या बनेगा इसको देखना तो इसी वैल्यू अगर इसमें n by 3 इक्वल टू क्या आएगा n by 3 इक्वल टू क्या बनेगा माइनस का n by 4 ये बनेगा अब इस वैल्यू को क्या करोगे इस इक्वेशन में डालो क्या बनेगा नाउ 4 m by देखो m by 3 की वैल्यू करते हैं ये तो बना m by 3 की वैल्यू क्या है माइनस m by 2 प्लस m by 4 जीरो गए m by 2 इक्वल टू जीरो ठीक है ये इक्वेशन डालो कौन सी 4 के बाद 5 6 डाल दो 5 and 6 implies क्या आएगा देखना अगर 3 n इक्वल टू 0 इक्वल टू आया अच्छा देखो क्या है n इक्वल टू 0 को क्या लिखोगे यार अपॉन 0 और n की वैल्यू क्या है n by 3 इक्वल टू n अपॉन माइनस 4 देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या होगी देखो ये एक बार तो इसमें कितनी है x माइनस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन और कितना z प्लस 4 अपॉन n और क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन y माइनस 3 अपॉन z प्लस 4 अपॉन क्या बनेगा एक बार से तो डी आर करना पता है एक काम कर सकते हो इसको 1 और 8 टाइम करके कर सकते हो ना तो 1 0 2 1 0 2 दूसरा काम का 0 3 माइनस 4 0 3 माइनस 4 ठीक है ना नो प्रॉब्लम इसके तीनों क्वेश्चन ऐसे ही होंगे इसी बेसिस पे सर सी एम और डी और बी का है
बोलो बोलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो जीरो का मल्टीप्लाई इधर होगा 1 का डिवाइड करोगे तो एम इक्वल टू 0 तो अब भी है देख सकते हो ना इसको इतना अच्छा वैसे निकाला हां डीआरएक्स निकाल देंगे नोट कर लीजिए इसको नोट Thank you.